टाइगर का मैसेज आ गया है दोस्तों टाइगर 3 के पहले टीजर के साथ, प्लस एक हिंट भी मिलता है कैसे पठान और टाइगर भिड़ेंगे टाइगर वर्सेस पठान मूवी में इस ट्रेलर से। तो चलिए करते हैं इस टीजर का ब्रेकडाउन, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। टाइगर 3 यशराज के लार्जेस्ट स्पाई यूनिवर्स का प्लान है, जहां ऋतिका कबीर, शाहरुख का पठान और सलमान का टाइगर एक ही यूनिवर्स में शामिल है, और ये ट्रेलर में जाहिर भी किया गया है अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए तो। ट्रेलर में टाइगर दिखता है अंडरग्राउंड बंकर में, जहां सलमान का टाइगर एक कंप्यूटर के सामने जिसमें लिखा है कोड नेम टाइगर RNAW जो कि है रॉ, रियल लाइफ इंडियन जासूसी एजेंसी उसका नाम लिखा है, और इसमें टाइगर कुछ मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है जहां वह सबको बता रहा है कि कैसे उसे फंसाया गया है। इसी सीन से ये भी याद आता है कि टाइगर का एक्चुअल नाम अविनाश सिंह राठौर है, ये तो मैं भूल ही गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड एक था टाइगर के साथ, जहां कैटरीना कैफ के किरदार जोया के साथ टाइगर को हो गया था प्यार। यही कहानी कंटिन्यू हुई टाइगर जिंदा है के साथ, जिसे डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने, जहां जोया और टाइगर भिड़े थे सद्दाम हुसैन टाइप डिक्टेटर से। अब टाइगर वापस आ रहा है शाहरुख के पठान में कैमियो करने के बाद इस फिल्म में, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बैंड बाजा बारात फेम मनी शर्मा, जो बैंड बजा रहे हैं यहाँ भी फुल ऑन एक्शन के साथ। टीजर से ये भी समझ में आ रहा है कि इस फिल्म का इमोशनल कोर बाप बेटे का रिश्ता होगा, जहां टाइगर को घोषित कर दिया जाएगा गद्दार और वो अपने बेटे के लिए ये प्रूफ करना चाहेगा कि वो गद्दार नहीं है। इसी गद्दारी वाले फंडे से ही पठान को भिराया जाएगा टाइगर से, जहां हो सकता है कलनल लूथरा आशुतोष राणा का किरदार और एजेंसी के टॉप हेड को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि टाइगर एक्चुअल में गद्दार है और उसको रोकने के लिए पठान को भेजा जाएगा। यही शुरुआत होगी टाइगर वर्सेस पठान की, जो वॉर 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म होगी। इस फिल्म को लिखा है श्रीधर राघवन ने, जिन्होंने पठान भी लिखी थी और टाइगर वर्सेस पठान भी लिख रहे हैं, तो काफी सारे कनेक्टिंग लिंक्स मिलेंगे यहाँ पर। वैसे इस फिल्म में एसआर के कैमियो करने वाले हैं और सुनने में आया है कि ऋतिका कबीर भी कैमियो करेगा इस फिल्म में, उनके फिल्म वॉर 2 का सेटअप करते हुए, जहाँ वो भिड़ेंगे जूनियर एनटीआर से। इस फिल्म में टाइगर 1 से रणवीर शौरी भी वापस आ रहे हैं, गोपी आर्या जो टाइगर 1 में सल्लू भाई का किरदार का हैंडलर कम दोस्त बना था, तो हो सकता है कि चोमेश्वर इमरान हाशमी का किरदार जो इस फिल्म का विलन है गोपी का इस्तेमाल करके टाइगर को फंसाएगा और सबके सामने गद्दार साबित करेगा। कैटरीना कैफ की किरदार जोया भी इस फिल्म का पार्ट है, पर टीजर में उनका कोई नया सीन नहीं दिखता, सिर्फ पिछले फिल्म के मॉन्टाजेस में उनका एक सीन आता है, ना ही दिखे चुम्मेश्वर इमरान हाशमी जो इस फिल्म के विलन है। टीजर लाडी भाई पर ही फोकस है, उनका मारधार बहुत सारा कूल एक्शन इस फिल्म से, पुराने पार्ट से मॉन्टाजेस जहां टाइगर एक्शन कर रहा है, और फाइनली ये कूल डायलॉग जहां टाइगर कहता है जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। गूज बम्स आ गए मुझे तो। टाइगर 3 आ रही है नवंबर 10, 2023 को, यानी कि दिवाली पर, तो इंतजार रहेगा इस भरी फिल्म का इस दिवाली में, और साथ ही ट्रेलर्स का भी। रीसेंट वीडियो जैसे जाने जान और नेटफ्लिक्स मूवी का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे बॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, कु ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी।